देखिए नंगेराज शिविर तो बहुत ही कामयाब हो रहे हैं और 1 करोड़ से ज़्यादा तो लोगों ने परिवारों ने रजिस्ट्रेशन करवा दिया है और 4.5 करोड़ से अधिक कार्ड बन चुके हैं। और अभी जो रिव्यू मीटिंग हुई वो तो हुई है, पूरा बजट जो है बजट के अंदर जो घोषणा हमने करी है उसको लेके मुझे बहुत पसंदीदा बात की है। पहली बार खाली घोषणाएं नहीं हो रही है, घोषणाएं जो है लागू भी हो रही है। ये बात वैसे फीडबैक मिलता भी है जन प्रतिनिधियों से, वो भी कहते हैं साहब घोषणा नहीं हुई हमारे यहाँ तो सड़क बंद लग गई, कॉलेज खुल गई, एड ऑफिस खुल गया, सब कुछ खुल गया। तो वो तो रिपोर्ट आती है, फीडबैक आता भी है, पर जब मीटिंग करके बैठते हैं तो और ज़्यादा गहराई से बात होती है। तो मुझे खुशी है कि हर विभाग में, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, हायर एजुकेशन हो, पानी में, बिजली में, जो प्रोग्रेस चल रही है वो तारीफ़ के काबिल है। और सोशल सिक्योरिटी के अंदर भी, सड़कों के अंदर 1,00,000 किलोमीटर सड़कें हैं, करीब मेरे ख्याल 50-55 हज़ार किलोमीटर बन चुकी है और 40-45 हज़ार किलोमीटर बन रही है सड़कें। कुछ हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स की स्ट्राइक की तरह कुछ उनकी प्रॉब्लम है, उसको मैंने कहा हल करने के लिए। तो तमाम तरीके से राजस्थान में मैं समझता हूँ जिस प्रकार से काम चल रहा है गुड गवर्नेंस का, आईटी बेस, वो भी आईटी बेस का फ़ायदा ये रहा कि अभी जो कैंपों में आए लोग आए तो एक स्कीम का फ़ायदा लेने के लिए, मिल गई उनको 3, किसी को 4, किसी को 5। एलिजिबिलिटी जो है वो कंप्यूटर में फिट हो चुकी है। अब अगर आप जाएंगे आपको मालूम नहीं कि मैं किस किस स्कीम में एलिजिबल हूँ, क्यों नहीं मालूम, मेरे 55 साल का हो गया तो मुझे पेंशन मिल सकती है, किसी महिला को मालूम नहीं है। अगर वो वहाँ गई और वो तो लेने गई कार्ड अपना वाली चीनी योजना का और कंप्यूटर बताएगा कि आप आपको पेंशन के लिए आप एलिजिबल हो गई हो, या उनको पता नहीं कि मैं NFS में मैं बुक हूँ और मुझे किट मिल सकता है। ये जो फ़ायदे हो रहे हैं इस कैंपों से उसको लोगों में एक बहुत बड़ी प्रसन्नता है कि ये अच्छा काम किया। कुछ हमारे साथी विपक्ष के कैंप क्यों लगा रहे हैं, घर बैठे फॉर्म भर देते, कैसे भर देते, 60% तक भी इसके में नहीं पहुँचती हमारी, मुश्किलें पहुँचती है। विज्ञापन दे दो आप, मीटिंगों में चर्चाएं कर दो तो ही लोग नहीं समझ पाते हैं। पहली बार हो रहा है कैंप लगा लगा के बुलाया जा रहा है, खुशी खुशी आ भी रहे हैं, इंतज़ार भी करना पड़ता कर रहे हैं, गर्मी के अंदर भी सुकून लेके जाते हैं। आप देखिए मेरे को 3-4 हज़ार का फ़ायदा होगा, मुझे 5 हज़ार का फ़ायदा होगा, 2-3 हज़ार का फ़ायदा पर मंथ होना किसे कहते हैं बता दीजिए आप, गरीबों के लिए। तो ये जो है, और कल मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था मिस्टर भानु प्रताप मेहता का जो शायद इंडियन एक्सप्रेस में आया था, उसने लिखा कि राजस्थान, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, 3 राज्य वो राज्य जिसने स्कीम बनाई सोशल वेलफेयर की या सोशल सिक्योरिटी की, वो परमानेंट स्कीम है हमेशा के लिए। ये जो रेवड़ी बंटवाने वाली बातें करते हैं प्रधानमंत्री जी, कुछ तो रेवड़ी बंटवाते हैं वहाँ कर्नाटक में भी, यूपी में भी, और विपक्ष को बदनाम करते हैं। मैं उनको कहना चाहूँगा कि जो मैंने कल आर्टिकल में बात कर रहा हूँ आपको, ये स्कीमें परमानेंट है, ये कोई आने वाले ज़माने में इतना सस्ती भाड़ा हो जाए तो अलग बात है, कुछ सरकार उस वक्त में पता नहीं 5-10 साल बाद कौन रहे, 20 साल बाद कौन रहे, कोई नहीं कह सकता। और हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ जावे, पूरे सब लोग खुशी खुश हैं मिजोरम की तरह, जैसे मिजोरम आज देश में मेरे ख्याल सबसे हैप्पीनेस इंडेक्स किसी का अच्छा है तो मेरे ख्याल मिजोरम का है, जहाँ तक मुझे याद है शायद, ठीक है, ठीक बोल रहा हूँ, अब तू बोल गए तो सही मानेंगे। तो आप बताइए हैप्पीनेस इंडेक्स मिजोरम का सबसे अच्छा है देश के अंदर, हम भी उसको और बढ़ना चाहते हैं कि राजस्थान के लोग खुश रहे। खुश कब रहेंगे, तो महंगाई की मार से निजात मिलेगी, प्रेम मोहब्बत भाईचारा होगा सब जातियों में, सब धर्मों के अंदर, परेशानियाँ कम से कम होगी, करप्शन कम होगा या ख़त्म होगा, कहीं ऑफिस में जाएगा तो उसको सम्मान बात सुनी जाएगी उसकी, हैप्पीनेस इंडेक्स कब बढ़ेगा, गुड गवर्नेंस होगी तो गुड गवर्नेंस सब प्रदेशवासी तय कर लेंगे। हाँ, हमें 2030 का जो विजन दिया है मुख्यमंत्री ने, 2030 तक राजस्थान नंबर 1 स्टेट बने,
वो तब बनेगा तब पूरे प्रदेशवासी, चाहे वो कहीं भी काम कर रहे हों, नौकरी में है कि सरकारी गैर सरकारी, उद्यमी है, उद्योगपति है, छात्र है, युवा है, मजदूर है, सब लोग अगर अपने अपनी भावना को आगे लाएंगे, कामयाब करेंगे मिशन को, तब जाके मिशन पूरा होगा। हैप्पीनेस इंडेक्स तब आएगा, आना चाहिए। मेरा सपना तो वो है हम सब खुश रहे राजस्थान वासी। हमारी महान परंपरा है देश के अंदर है, राजस्थान की संस्कृति महान है, रेगिस्तान के इलाके अकाल पड़ते रहे सदियों से, तब भी आप देखो जैसलमेर में जाके 6-6 फीट के लोग मिलेंगे आपको। जितनी हार्ड लाइफ बिताई है लोगों ने, बाड़मेर का खड़ा है पत्रकार, जितनी हार्ड लाइफ बिताई है बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर या और कोई जिले के अंदर, ठेकावटी नहीं, सभी पूरे राजस्थान के लोगों ने, कहीं पानी की कमी है तो कहीं बिजली की कमी थी तो कहीं अकाल पुरखे पड़ते रहे, तब भी हम लोग उससे जूझते रहे, उतने राजस्थान मजबूत होता गया शारीरिक रूप से। हाँ, शारीरिक रूप से मजबूत होता गया आदमी, और वही हैप्पीनेस इंडेक्स आएगा कभी न कभी। तो ये हमारा सपना है, मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम साथियों की मदद से वो सपना कभी पूरा होगा। ये बात कर रहे थे, महंगाई राहत कैंप में गारंटी कार्ड का आंकड़ा कल 5 करोड़ किस रूप में देखा जाए, केवल 25-26 दिन किस रूप में देखा जाए। तो ये कैंप ऐसे ही हैं, कैंप ऐसे ही हैं कि जितने मैं समझता हूँ कि अब सबको प्रदेश में जितने लोग हैं वो सब जा रहे हैं कैंपों के अंदर। मैंने कहा ना आपको, महंगाई की वास्तव में बहुत बड़ी मार है। राहुल गांधी जी की यात्रा थी ना, महंगाई, बेरोजगारी, नॉन वायलेंस और अमीर गरीबी के बीच खाई, चार तो पॉइंट थे। चारों पॉइंट को लेकर मैंने मेरा बजट पेश किया है और उसी को लेके हमने महंगाई राहत शिविर लगाए हैं। स्वतः ही है कि लोगों में वो भावना पैदा हो गई है, और मैं समझता हूँ कि इस बार जनता जीता के रहेगी। लगता मुझे इस बार जनता जबरदस्ती जीता के रहेगी। ये जितने नारे लगाएंगे, साधन झोंकेंगे, रोड शो करेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, हम जवाब देंगे नहीं उनको। हम अपना काम करेंगे। महंगाई राहत, हैप्पीनेस इंडेक्स बड़े राजस्थान का, प्रेम, भाईचारा, मोहब्बत रहे, और गुड गवर्नेंस हमने दी है उनका बखान करेंगे कि कैसे दी हमने, किस प्रकार यहाँ स्वास्थ्य सेवाएँ, शिक्षा, पानी, बिजली, सड़कें और सोशल सिक्योरिटी। हमारा कैंपेन इस बार सीमित ही रहेगा, और ये कितनी बड़ी लफारी करते जाएंगे ना, जनता खुद उनको जवाब देगी, वो पूछेगी कि आपकी लफारी का मायने बताइए आप हमें, आप क्यों गुमराह करो देश को और प्रदेश को। ये थीम चलेगी इस बार, लगता है जनता इस बार चुनाव जीता के ही रहेगी। धन्यवाद आपका।